नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज होने वाला है पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में थर्ड ओडीआई मैच। जी हां दोस्तों, आज दोनों ही टीम भिड़ेंगी थर्ड ओडीआई मुकाबले में। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस थर्ड ओडीआई में कौन सी टीम होगी जो कि विनर होगी, क्योंकि इस मुकाबले में, इस सीरीज में नीदरलैंड ने पाकिस्तान को अच्छी खासी टक्कर दी है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बट आज का रिजल्ट क्या होगा, कौन सी टीम होगी जो कि आज के इस मुकाबले में जीतने वाली, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपको ड्रीम इलेवन की टीम मिले और ड्रीम इलेवन टीम में आपको प्रॉफिट हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, मैच के टॉस के बाद में ड्रीम इलेवन टीम देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होता है और ड्रीम इलेवन प्ले करने की स्ट्रेटेजी भी वहां हम बताते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के डेट की। 21 अगस्त आज की दिनांक है, संडे, सुपर संडे आज का दिन होने वाला है। पाकिस्तान और नीदरलैंड, पाकिस्तान की बात करें तो इनका स्वामी है बुध, जो कि सूर्य के साथ मिलकर बनाता है बुध आदित्य योग। यानी कि आज पाकिस्तान की बैटिंग का तूफान आज देखने को मिल सकता है, यानी कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत बढ़िया देखने को मिल सकती है। अब बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड भी कम नहीं है, इनका स्वामी है मंगल, जो कि मंगल और सूर्य यदि आपस में मिल जाते हैं तो हीट बन जाती है, और शायद आज नीदरलैंड की भी बैटिंग बहुत बढ़िया हो सकती है और नीदरलैंड अच्छे खासे टक्कर दे सकता है पाकिस्तान को। चलिए बात करते हैं कप्तानों की। एक और जहां बाबर आजम है, वहीं दूसरी ओर स्कॉट एडवर्ड है। स्कॉट एडवर्ड की बात करते हैं नीदरलैंड कप्तान की, इनका स्वामी सनी है, और सनी और सूर्य आपस में पिता पुत्र है, चल गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शायद आज स्कॉट एडवर्ड का दिन बहुत बढ़िया भी जा सकता है या बहुत बुरा भी जा सकता है। हाँ, बाबर आजम के लिए संकेत उतने खास नहीं है, बाबर आजम आज शायद कमाल न दिखा पाए, बट 30-40 रन तो बना ही लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टॉस की। तो शायद इस मुकाबले में टॉस की बात की जाए तो नीदरलैंड की टीम टॉस अपने नाम कर सकती है। जी हाँ, नीदरलैंड टॉस अपने नाम करके शायद इस मुकाबले में फील्डिंग का फैसला ले सकती है, बट शायद बैटिंग ले ज्यादा बेटर रहेगा, बट फील्डिंग शायद नीदरलैंड टॉस जीत के ले सकती है। तो दोस्तों, यहाँ यदि बात करें हेड टू हेड मुकाबले की, सभी मैच, हर मुकाबले पाकिस्तान जीता है, और जहाँ नीदरलैंड अपने पिछले पांचों मुकाबले हार के आ रहा है, तो पाकिस्तान अपने पिछले पांचों मुकाबले जीत के आ रहा है। तो पाकिस्तान की जीत इस बार कन्फर्म दिखाई देती है। की प्लेयर कौन से होंगे जो कि आज अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आज के इस टीम में हम बाबर आजम को शामिल नहीं करेंगे। आज के इस टॉप की प्लेयर में पहले आएगा टॉम कूपर, इसके पश्चात रिजवान आ जाएंगे, इसके बाद हरीश राउफ जो कि बॉलर है, बहुत बढ़िया आज बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और लास्ट में फकर जमान को भी हम पिक कर लेंगे। तो ये चार प्लेयर का परफॉर्मेंस आज बहुत बढ़िया हो सकता है। आपको दोस्तों इस मुकाबले में जो पेस है, यानी कि अपने ड्रीम इलेवन टीम में पेस बॉलर को ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 75% विकेट पेस बॉलर लेते हैं। जिस पिच पे मुकाबला होगा नीदरलैंड में, यहाँ पे चेस होता है और पेस बॉलर भी अच्छे खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है, तो हरीश राउफ को इसीलिए हमने कहा है कि आज ये टॉप परफॉर्मेंस हो सकते हैं। दोस्तों, मुकाबले में पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा ऐसा नहीं है, नीदरलैंड तरफ से टक्कर मिलेगी और पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण जीत इस मुकाबले में हासिल कर सकता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।